नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे ओजल कैप्सूल का रिव्यू। ओजल कैप्सूल जो कि एवॉर्ड का प्रोडक्शन है, जेनरिक मेडिसिन है, जिसका कंटेंट है ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम। अभी इसमें एंटरिक कोटेड पेलेट्स है, यानी कि छोटे छोटे जो दाने होते हैं कैप्सूल के अंदर, वो एंटरिक कोटेड होते हैं, यानी कि ये इंटेस्टाइन में जाकर घुलने वाले हैं। अभी जो ओमेप्राजोल है, इसका काम क्या है, इसके बारे में ब्रीफली जान कर लेंगे, मगर उससे पहले इसकी एमआरपी देख ले दी। दोस्तों, इसकी एमआरपी है 40 रुपीज़ एंड 88 पैसा 15 कैप्सूल की। ये स्ट्रिप है जो आपको आसानी से सभी जेनरिक स्टोर्स में और मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगा। ये जो ओमेप्राजोल है, यह सिंपली भाषा में कहता हूँ कि ये पेट में बन रहे है एसिड को कम करता है, और इसका इस्तेमाल इनडाइजेशन यानी कि अपच, हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स का इलाज करने के लिए होता है। खट्टी डकार हो, पेट में ज़्यादा गैस बन रहा है, हाइपर एसिडिटी, ये सिंपली वर्ड इस पे लगा दिए जाते हैं। अगर पेट में बार बार एसिड बन रहा है, या 4 बजे या 5 बजे के बाद में आपका एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसे कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड है क्या? जी नहीं, यह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, यानी कि जो अपने खेतों में देखा है कि पंप क्या करता है, पानी बाहर फेंकने बाहर निकाल जाता है, वैसे ही एसिड बाहर निकाल जाता है स्टमक के इनर लाइनिंग से। तो वो इनर लाइनिंग पे इनहिबिट करता है, इनर लाइनिंग पे इनहिबिट करता है, यानी कि जो भी प्रोटॉन पंप है जो एसिड बाहर फेंकते हैं उसको इनहिबिट करता है, उसे बंद करता है। उसके कारण पेट में बन रहा एसिड सिक्रेट नहीं होता और आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। ये जो स्टमक अल्सर है, उसका इलाज करने के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। इसके अलावा पेनिक्रीज, और अगर गट में ट्यूमर हो, छोटी छोटी गांठें हो, तो उसे कहते हैं जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बहुत ही रोचक सी बात है जाने की ओमेप्राजोल के बारे में। मैं सिर्फ ये ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इसका कंटेंट जो है ओमेप्राजोल उसके बारे में बात करूंगा। ये जो ओमेप्राजोल है, अगर आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते 2 या 3 साल है, तो फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि ये बोन डेंसिटी कम कर देता है। इसलिए मैं कहूंगा आप कैल्शियम, विटामिन D3 या विटामिन K2 ले। अभी K2 क्या करता है, विटामिन K2 क्या करेगा, जो भी आपने कैल्शियम लिया है, विटामिन डी लिया है, वो स्टोर करेगा बोन के अंदर और आपकी बोन बनेगी स्ट्रांग। इतना ही नहीं, ये भी कहना चाहूँगा इसके साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि स्टमक पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्रस्टिंग सोर्स हो सकता है, लिप्स के अंदर ब्लिस्टर हो सकता है, कंटिन्यूइंग अल्सर हो सकता है, तो जन ईचिंग हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, मसल एक या क्राम्प्स आ सकते हैं। अभी इसे डेली लिया जा सकता है कि जी हाँ, आप इसे डेली ले सकते हैं, मगर ज़्यादा समय तक लगातार ना ले, आप 4-5 दिनों का गैप रखकर आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि बोन फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है। कोई भी डॉक्टर लगातार लेने के लिए आपको इसको नहीं बोलेगा। ये एंटासिड नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो पेट में बढ़ रहा एसिड को कम कर देता है। अब दूसरी बात जान लेते हैं कि ये बैड है क्या। जी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा ये बैड है, ये गुड़ी है, मगर अगर डॉक्टर की सलाह से आपने डिजायर्ड अमाउंट में और डिजायर्ड पीरियड के लिए लिया, तो फायदेमंद साबित हो सकता है। ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन आइटम नहीं है। अगर 14 दिनों के ज़्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होगा। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये अडल्ट के लिए है। ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेने वाली मेडिसिन नहीं है। अभी एक बात ये कहूँगा, अगर इसे लेते हैं तो किडनी फेल हो जाती है। जी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, अगर आप 14 दिनों के बाद भी अगर इस्तेमाल करते तो KCD हो सकता है, यानी CKD हो सकता है, यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा ये ब्रांड के इस्तेमाल करने के बाद ही होगा। ये ओमेप्राजोल अगर आप लगातार इस्तेमाल कर रहे 4 साल 5 साल 10 साल, तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, मैं 100% होगा ऐसा नहीं बोल सकता। अभी इसे अगर आप लेते हैं, तो आप भोजन के पहले ले, भोजन के बाद लेने पर कोई मतलब नहीं रहता। तो ये रहे इसके यूजेस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।